कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार सुबह अचानक हरियाणा के सोनीपत में रुके। यहां उन्होंने किसानों के साथ खेतों में धान की रोपाई भी की। उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई की। इस दौरान किसानों और खेत मजदूरों के साथ खेती किसानी पर उन्होंने बातचीत भी की। राहुल गांधी ने किसानों के साथ बैठकर नाश्ता तक किया। राहुल गांधी दिल्ली से शिमला की ओर जा रहे थे। वे चीटी रोड पर कुंडली बॉर्डर पहुंचे तो किसानों के बीच जाने का प्रोग्राम अचानक बना लिया। सोनीपत के ग्रामीण इलाके का रुख कर लिया। राहुल गांधी NH-48 में मुरथल होते हुए कुराड़ रोड से बाईपास के रास्ते गोहाना की तरफ रवाना हुए। इसके बाद अपने रूट से हटकर तकरीबन 50 किलोमीटर दूर बरोदा विधानसभा क्षेत्र के गांव मदीना में सुबह तकरीबन 6:40 पर वहां पहुंचे। वे भैंसवाना मदीना रोड पर संजय के खेत में जा पहुंचे। मदीना गांव में तकरीबन 2 घंटे बाद राहुल गांधी 8:40 पर वहां से रवाना हुए। लौटते समय उन्होंने गोहाना PWD रेस्ट हाउस में ड्रेस चेंज की, फिर सोनीपत से आगे निकल गए। राहुल के सोनीपत खेत में पहुंचने की सूचना पाते ही कांग्रेस विधायक इंदरू रवाना हुए और गोहाना के विधायक जगबीर मलिक भी वहां पहुंचे। इंदुराज ने कहा कि उनके पास राहुल के आने की सूचना नहीं थी, लेकिन जैसे ही ग्रामीणों से उनको पता चला तो वहां उनसे तुरंत मिलने पहुंचे। गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि इलाके का सौभाग्य है कि राहुल गांधी यहाँ पहुँचे हैं। वह ये देख रहे हैं कि गाँवों में खेती किसानी कैसे होती है और उसका तरीका क्या है, किसान किस तरीके से धान लगाता है और इसमें कैसी कैसी परेशानियाँ उसको होती है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।